तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमी तो यार अगर आप आईआईटी आई को पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक करना चाह रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है आई विल टेल यू फाइव इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अंडर 200, अंडर 300 अपनी रैंक ला सकते हैं ठीक है दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं तो आपको एग्जाम में ये मिस्टेक अवॉइड करनी है तो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट टिप्स टू हाउ टू क्रैक योर आई टी जैम इन फर्स्ट अटैम्प्ट ओके सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए जरूर है ना ये आपका जो है फर्ज है कि आपको लाइक करना है और ऐसे ही आपको वीडियोज मिलते रहेंगे डेफिनेटली कुछ टिप्स के लिए तो सबसे पहली चीज है ना जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आई आई टी जैम ही नहीं है कोई भी अगर आप नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है तो स्टिक टू द सिलेबस अगर आप सिलेबस में दाएं बाएं ऊपर नीचे भटके तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि हमेशा पैटर्न यही रहा है कि जो सिलेबस के अंदर है वहीं से क्वेश्चन आता है बाहर कोई अपन से क्वेश्चन नहीं पूछता है ठीक है ना तो आई आई टी जैम हो या कोई भी नेट का एग्जाम हो गेट का एग्जाम हो तो बच्चों बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है है ना सारे के सारे क्वेश्चन अपन से कहाँ पे पूछते हैं यहीं से पूछता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन सिलेबस पढ़ें सिलेबस से बाहर तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा अपनी चाहे क्लासेस हो प्लस स्पेशल जहाँ पे भी हो मैं हमेशा कहता हूँ कि बी स्टिक टू द योर सिलेबस है ना स्टिक टू सिलेबस क्योंकि सिलेबस ही वो चीज़ है जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाती है तो सिलेबस बहुत ज़रूरी है सिलेबस से आगे पीछे नहीं पढ़ना है आपको जो सिलेबस में मेंशन है उसी को अच्छे से पढ़िए इट विल हेल्प यू अलॉट ओके सेकंड पॉइंट डेली डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली अपने आप को मेजर करो कि आपने कितना स्कोर किया इस मंथ आपने कितनी प्रोग्रेस की अगले मंथ आप कितनी प्रोग्रेस करेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ की पॉइंट एक्चुअली है ना तो मेजर योर है ना अपने जो है चीज़ों को मेज़र कीजिए आपने कितना जो है प्रोग्रेस किया लास्ट वीक से कल से आपने कितना प्रोग्रेस किया है दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों है ना ये गलतियां नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम को द नेक्स्ट थिंग रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड है रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है बट टू मैनी रिसोर्सेस आर वेरी हार्मुल है ना आप एक स्ट्रिक बहुत अच्छा एक रिसोर्स पकड़ लीजिए कोई भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं होता है लगभग लगभग उन्नीस बीस का अंतर है रिसोर्सेज में तो टू मैनी रिसोर्सेस से बचिए सिंगल रिसोर्स पकड़िए उसी को अच्छे से तैयार कीजिए तो आपकी जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे क्वालिफाई करने के ओके जब भी आपको लाइव क्लास में या वैसे कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में या डायरेक्टली डा, कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम पे अलग अलग जगहों पे अपने डाउट हमेशा पूछिए कोई भी अगर आपको एग्जाम से रिलेवेंट स्टडी से रिलेवेंट क्वेश्चन से रिलेवेंट कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू आस्क द डाउट इट विल अगेन हेल्प यू अलॉट है ना ये भी आपको बहुत सही तरीके से समझना चाहिए नेक्स्ट थिंग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा से मैं कहता हूं कि डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज मच एज यू कैन जितने आप कर सकते हैं उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए 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 है ना ये आपको ये समझाएंगे कि पैटर्न किस तरीके का है किस तरीके का एग्जाम आने वाला है है ना या किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो अगेन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पांच में बात आपको बता चुका हूँ दिस ऑल पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब uh, कर लीजिए चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर और सारी चीजें आपको पता करीजिए